पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके पास से 10,60,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बुराई थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ओडिशा राज्य की ओर जा रही कार में गांजा तस्करी की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 53 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों तस्करों पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। माननीय पुलिस अधीक्षक धनतरी महोदय के दिशा निर्देश पर अंतर्राज्यीय जाँच नाका बुराई में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय एक मारुति जैन गाड़ी आके खड़ी हुई, जिनकी पर से उसमें दो पुरुष बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना नाम शोषण विश्वकर्मा और विजय विश्वकर्मा बताया और उनसे पूछताछ करने पर और गाड़ी की तलाशी लेने पर कुछ पैकेट्स में कुछ गांजा रखा हुआ बरामद हुआ। और उन सर से जब उनसे विधि दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं हुआ। और चेक करने पे और अच्छे से गाड़ी की तलाशी लेने पे उस पास से लगभग 53 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। और दोनों आरोपी जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, गाड़ी भी मध्य प्रदेश की पास ही है। कुल जब्त गांजे की कीमत लगभग 10,60,000 रुपये है और दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायिक रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया गया है।